मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गर्दन को खूबसूरत कैसे बनाएं। हाँ जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्दन को लेकर तो हमेशा तारीफें की जाती रही हैं लेडीज की, यानी कि सुराहीदार गर्दन हर किसी को चाहिए होती है। और कई बार क्या होता है कि जब हमारा वेट बढ़ना शुरू होता है, यानी कि जब हमारी चर्बी, अतिरिक्त चर्बी जब बढ़नी शुरू होती है, तो सबसे ज्यादा पेट और हमारी गर्दन पर उसका असर दिखने लगता है। और इससे बहुत लोग परेशान होते, तो किस प्रकार से हम अपनी गर्दन की चर्बी को कम कर सकते हैं वह मैं आज आपको बताऊंगी। और जो एक्सरसाइज मैं आज आपको बताऊंगी उनसे आपकी गर्दन की चर्बी तो कम होगी ही, साथ साथ यदि आपको स्ट्रेस रहता है या फिर आपको स्टिफनेस रहती है तो वह भी आपकी दूर हो जाएगी। और आजकल तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं और कईयों के तो घर में स्पेस भी नहीं है, तो मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता रही हूँ जो कि आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कम जगह में भी कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं जहाँ मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं कुछ आपको जरूरी बातें बताऊंगी इसके विषय में, आप इसे भी नोट कर लीजिए। यदि आपको अपनी गर्दन की चर्बी को कम करना है तो आपने सबसे पहले अपने खान पान में सुधार लाना होगा। तो खान पान में सुधार लाकर भी अपनी चर्बी को आप कम कर सकते हैं, यानी कि अपनी गर्दन को आप सुराहीदार पतला बना सकते हैं। तो आपने अपने खाने में हरी सब्जियां, दूध, दही और साबुत अनाजों को शामिल करना है, जिससे कि आपका वेट ज्यादा ना बढ़े, यानी कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग या आपकी एज के अकॉर्डिंग ज्यादा वेट आपका ना बढ़े। और दूसरी बात, यदि आपको गर्दन को हमेशा स्वस्थ रखना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कई लोगों की आदत होती है कि जैसे वह पढ़ने का काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, या कुछ महिलाएं होती है जो कि सिलाई का काम करती हैं तो इस तरीके से करती है। तो आपको हमेशा गर्दन झुकाकर काम नहीं करना है। हमेशा कोशिश करें कि यदि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो बिल्कुल लेवल में रखें, यानी कि सामने मेज, और बिल्कुल आपकी जो गर्दन है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपको झुकना ना पड़े, यह आपकी गर्दन के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि इससे आपको सर्वाइकल भी हो सकता है, सबसे बड़ी बात ये भी है। तो कोशिश करें कि अपनी गर्दन को ज्यादा आप ना झुकाएं। तीसरा है कि ज्यादा फैट वाला खाना आपने नहीं खाना है, यानी कि जिस खाने में ज्यादा वसा है उसको आप नहीं लेंगे यदि आपके गर्दन में भी बहुत ज्यादा चर्बी आपको महसूस हो रही है। और चौथा है, आपने प्रोटीन लेना है बहुत ज्यादा, यानी कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपको संतुलित रखे उतना प्रोटीन, यानी अपने भोजन में प्रोटीन को भी बिल्कुल सही मात्रा में आप शामिल करें। और नित्य प्रतिदिन योग करें, यानी कि ब्रह्म मुद्रा यदि आप करते हैं तो आपकी गर्दन भी हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहेगी। तो आपने ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करना है, और योग भी सभी आपने करने हैं, लेकिन ब्रह्म मुद्रा भी आप गर्दन के लिए यदि करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पानी जितना ज्यादा हो सकता है उतना पिए, ये नहीं कि आपको प्यास नहीं है तो आप पानी नहीं पिएंगे। आपने 8 से 10 गिलास पानी अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करना है। तो आप क्या कर सकते हैं अपनी गर्दन के लिए एक्सरसाइज, वह मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बैठी हूँ, आप लोग भी ऐसे बैठ जाइए। और ये जो मैं सबसे पहला आपको बता रही हूँ ये आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं या कहीं। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। तो आप सभी इसी प्रकार से एक चेयर पर या किसी भी जगह बैठ जाइए और अपने हथेलियों को अपने थाइस पर, यानी कि अपनी जांघों पर रखिए, और कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। आप श्वास भरिए और आपने सबसे पहले गर्दन को दाईं तरफ घुमाकर ले जाना है। यही रुके रहेंगे, धीरे धीरे वापस बाईं ओर। धीरे धीरे वापस, फिर से। पहली बार आपने रिलैक्स करना है, उसके बाद आपने सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है, यानी कि इस प्रकार से आपने 3 राउंड करने हैं। जैसे श्वास, फिर से मैं एक बार आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप देख लीजिए। श्वास लेनी है सबसे पहले दाईं ओर, धीरे धीरे ले जाना है, यहीं पर रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे वापस लाना है, उसके बाद बाईं तरफ, यहाँ पे रोके रखिए, फिर श्वास लेनी है, छोड़नी है और अपने लॉक को खोलना है। जब आप कर रहे हैं तो आपका चिन लॉक भी बना रहेगा। चलिए अब हमारी नेक्स्ट है नेक प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप नॉर्मल बैठ के भी कर सकते हैं इसी प्रकार से जो आपको मैंने पहले बताया है। श्वास लेनी है और ऊपर देखना है। आप आंखें भी बंद कर सकते हैं। श्वास छोड़नी है, नीचे आना है, श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है, श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। ये थी आपकी सेकंड एक्सरसाइज। नाउ थर्ड। सबसे पहले श्वास लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब नेक्स्ट है आपकी, हर एक एक्सरसाइज के बाद आपने एक बार लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास अवश्य करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पांचवी एक्सरसाइज है आपका, उसको अपने सर पर रखना है और इसको आपने गर्दन को प्रेस करने की कोशिश करनी है बाईं ओर इस प्रकार से, और इस हाथ से आपको रोकने की कोशिश करनी है। इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होगा और आपकी गर्दन की जो अतिरिक्त चर्बी है वह भी दूर हो जाएगी। धीरे से वापस आना है, फिर से करना है। वन मोर टाइम। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरी तरफ। जब वापस आ रहे आपने श्वास छोड़नी है, जब जा रहे हैं तो आपने श्वास लेनी है। रिलैक्स। एक्सरसाइज करने के बाद आपने एक दो लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करना है। ओंकार का उच्चारण भी कर सकते हैं, आपको अच्छा फील होगा। तो यह सभी एक्सरसाइज और जो मैंने आपको डाइट का बताया है आपकी गर्दन को हमेशा स्वस्थ रख सकती है और सुंदर बना सकते हैं। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इन्हें आगे भी फॉलो कीजिए और खुद भी इनको आप फॉलो कीजिए, तो आपकी जो गर्दन है वह खूबसूरत बनी रहेगी और आपकी गर्दन की जो अतिरिक्त चर्बी है वह जरूर दूर होगी। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें। हरिओम।